शंकर तुम्हें रिहा किया जाता है तुम्हारी सजा पूरी होगी। हुआ मेरे दोस्त? कुछ नहीं, कुछ नहीं अर्जुन। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों में खौलता हुआ लहू चीख चीख कर कह रहा है कि इंतकाम की आंख में तुम्हारा रुआ रुआ चल रहा है। हाँ, मेरा रोहा रोहा जल रहा है, लेकिन ये आग मैं बहुत जल्द बुझा लूंगा। अगर तुम अपनी बहन के कातिलों का नाम मुझे बता दोगे तो ये काम मैं ही कर दूंगा। नहीं अर्जुन, हरगिज नहीं। अर्जुन, अपनी पत्नी के कातिल को खत्म करने की इजाजत तुम मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। बदले की आग तब तक नहीं बुझती जब तक उसे खुद ना बुझा लिया जाए। इसलिए जब तक कातिल को अपने हाथों से खत्म नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे चैन नहीं मिलेगा अर्जुन। गीता, किस लिए बुलाया मुझे? मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी बहन के कातिल की तलाश है। ये रहा मुन्ना मोबाइल, ये इस वक्त तुम्हें लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। मुन्ना मोबाइल, लुक्का भाई, मैं मुन्ना मोबाइल बोल रहा है। अरे लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में जो 40 माले की सिंगानिया बिल्डिंग है ना, उधर अपन ने अपना कब्जा मार लिया ना भाई। और एक बात मैं बोलू, वो नीचे है ना अपन ने अपना पाटिया पे मार लिया ना लुक्का कंस्ट्रक्शन। ईमान से भाई, अरे का बम्बई में किसमें दम है जो अपन से नड़े यार। ओ लुक्का भाई, ए, 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 अरे पंच काय को मार रहे ला यार। अरे अरे पंच, अरे कहां मर गए सब, मुझे कुछ दिखाने दे दा। मोबाइल धीरे मारना।
शंकर, शंकर ये तू बहुत ऊंचाई से बात है। क्यों इतनी ऊंचाई से डर लग रहा है? मुन्ना मोबाइल ला, मोबाइल दे। लेना मोबाइल लेना बाबा। जरा लुक्का का नंबर मिला। हेलो, कौन बोल रहा है? लुक्का को फोन दे। थोड़ी देर के बाद में फोन करो, इस समय वो अपने बाप की बरसी मना रहा है। उससे कहो बाप की बरसी बाद में मनाए, पहले इस बाप से बात करे। लुक्का भाई, शंकर का फोन है। हाँ बोल शंकर। बड़ी जल्दी अपने बाप की आवाज पहचान ली। जो कुछ बोलना है जल्दी बोल। तेरी तबाही का आगाज शुरू हो चुका है। अपने इस प्यादे की चीख सुन, चल साले। अपने प्यादे की चीख सुन ले लुक्का, इसे अपनी तबाही का आगाज समझो। शंकर ने मुन्ना मोबाइल को टपका दिया है। शंकर जहां भी मिले खत्म कर दो। ए, शंकर को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। लुक्का की ताकत है उसकी दौलत। उसे खत्म करने के लिए हमें उसकी दौलत को खत्म करना होगा। हमें खबर मिली है कि लुक्का अपने होटल में लाखों के तादाद में हथियार रखा है। अगर हम उसे आग लगा दे तो लुक्का खत्म। लुक्का से भीख मंगवाने का ये तरीका ठीक रहेगा। तब तो उसका बाजा बजेगा और बाजी पलटते ही उस हरामजादे के पैरों तले जमीन हट जाएगी। क्या बात है? लुक्का से जाकर कह दे कि उसके गोडाउन ब्लास्ट करके मैंने उसे भिखारी बना दिया। क्या क्या? और उसे कहना कि अगर पुलिस और सियासत उसकी जर खरीद गुलाम है तो तुझे बचा ले, क्योंकि कल 12 बजे मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे दे दे, भगवान के नाम पे लुक्का को भीख दे दे। तरमार खाने वाले को बासी रोटी और सड़ी हुई दाल दे दे। ये देख, ये लुक्का भीख मांग रहा है। अरे जिसके एक धक्के से कानून हक्का बक्का हो जाता है वो लुक्का भीख मांग रहा है। दे दे भगवान के नाम। मना किया था, मना किया था, जिससे दुश्मनी है उसको मार। लेकिन तेरे को दुश्मन की माँ बहन की इज्जत लूटने में मजा आता है। अगर शंकर की बहन की इज्जत ना लूटी होती तो ये दिन इसको देखने नहीं मिलता। तुम्हें साला 3 सितारे इधर और 3 सितारे उधर लगाकर अकड़ रहा है। सालन को चमकाने के लिए पॉलिश का पैसा मुझसे लेता और मुझ पे ढोर जमा रहा है तू। अरे तुम दोनों आपस में झगड़ा करते रहोगे या मेरे बारे में भी सोचोगे? उस शंकर ने मुझे सिर्फ 12 घंटे की मोहलत दी है मेरी जान के लिए। कोई चक्कर चलाओ और शंकर से मुझे बचा कर मेरी उम्र को बढ़ाओ। एक काम करो, मुझे बांग्लादेश या पाकिस्तान भिजवाओ। अरे नहीं सलीम चिकना, तू अगर देश छोड़कर चला गया ना तो लोग समझेंगे कि लुक्के का बैंड और बाजा दोनों साथ में बज गया। और अगर शंकर ने मेरा बैंड और बाजा दोनों साथ में बजा दिया तो क्या होगा लुक्का भाई? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे मेरी बात सुन सलीम चिकना, मैं ऐसा करता हूँ, तेरे को 24 घंटे के लिए लॉकअप में सड़ा देता हूँ, फिक्र मत कर। मैं तेरे को गाली दिया ना तेरी माँ को बुरा लगेगा, समझा ना? अबे आजकल तो लॉकअप और अदालत में भी मर्डर होते हैं। अरे क्या कह रहे हो, तो फिर कैसे बचूं, कहां जाऊं मैं? एक मिनट, फिक्र मत करती चिकना, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। निकाल दे, जा तो आइश कर। क्यों, क्या हुआ, करो ना। क्या करूं, मुझे अपनी खुद ही कब्र और कटावा कफन दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे करूं, वो शंकर है ना, उसने मेरी पहले ही कर दी है। उस लुके का भी कहीं पता नहीं है। इससे पहले के शंकर मेरे 12 बजे, मैं 11 बजे ही निकल लेता हूं। ये लुक्का तो है पैदाइशी बेईमान, ये क्या भेजेगा मुझे बांग्लादेश या पाकिस्तान? मैं तो दुबई का ठप्पा लगाकर निकल लेता हूँ, सटक लेता हूँ। बाप निकल ले, चल उड़ जा रे। जिसके पासपोर्ट पर शंकर मौत का ठप्पा लगा देता है उसे सिर्फ ऊपर का वीजा मिलता है। शंकर तू यहाँ?
अरे अभी तो सिर्फ 11 बजे है, 12 बजे में तो पूरा एक घंटा बाकी है। शंकर मुझे माफ कर दे, मुझे दुबई जा रहे थे। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दे, 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 दे। अब मत मार। अरे अरे बहुत मार रहे, भाग मार रहे तू। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ रे, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। लो, सलीम चिकना मारा गया, सारे धंधे बंद हो गए, गुंडे डर कर अंडरवर्ल्ड हो गए। कुछ करो इंस्पेक्टर, कुछ करो, मेरे राज में ऐसा ही होना था क्या? कुछ करो। साला समाज अगर सुधर गया ना तो नेता, पुलिस और गुंडे सब कंगाल हो जाएंगे। एक चाल चली जा सकती है। जैसी चाल चलनी है वैसी चलो, मगर अपनी जगह से हिलो तो सही। मैं ऐसा करता हूँ, कमिश्नर साहब से बात करके उस पर टाटा लगवा देता हूँ, और देखते ही साथ गोली मारने का ऑर्डर भी पास करवा देता हूँ, फिर देखता हूँ साला बच के किधर जाएगा। भाई काले, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बिना किसी ठोस सबूत के मैं शंकर पे ताड़ा नहीं लगा सकता, और ताड़ा कानून को तुम जैसे लोगों ने बदनाम किया है। जब किसी पे बस नहीं चलता तो ताड़ा लगाकर ठोस देते उसे जेल में। मैंने आपको एप्लीकेशन दिया, आपने उसको मृत्युदाता की तरह फ्लॉप कर दिया। ठीक है, मेरे पास जब भी आया करो, बेबुनियाद केसेस लेके मत आया करो, समझे? अच्छा, एक आदमी को 40 माले से नीचे फेंक दिया, दूसरे को एयरपोर्ट पे मार दिया, एक का गोडाउन ब्लास्ट कर दिया। अगर ये सब काम नेक है तो आप अपने हाथों से उसे परमवीर चक्र दे दीजिए ना। वक्त आने पर उसे परमवीर चक्र मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं उस पर ताड़ा नहीं लगाऊंगा, समझे? लेकिन मैं उसको देखते ही गोली मार दूंगा, मुझे अपना काटा निकालना आता है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंट में कार्रवाई होगी। मैं प्रेस को तुम्हारे सारे कारनामे बताऊंगा, बदनाम कर दूंगा तुम्हें। अच्छा, जो जी में आया करो, लेकिन एक शेर सुनो, बेगैरत बेशर्म बनो, किसी से कभी मत डरो, जब कोई गाली दे जी भर के हंसो, जी भर के हंसो। जाता है साहब। गेट आउट। अरे मंत्री, अपनी पावर दिखा, पावर। उस कमिश्नर की वर्दी उतार कर नंगा कर दे साले को। ये काम बड़ा मुश्किल है लुका। अगर ये बहुत मुश्किल है तो तुझे एक आसान काम बताता हूँ, फुटपाथ पर जाके बैठ और सांढे का तेल बेच, सांढे का। क्या बकता है? अबे बोलता है, कोई चाल चल के दिखा। वो इंस्पेक्टर काले का कमिश्नर होना बहुत जरूरी है, याद रखना मंत्री। ठीक है, मैं काम करता हूँ। इंस्पेक्टर काले का प्रमोशन और कमिश्नर का ट्रांसफर ऑर्डर, उनका हुक्म देता हूँ। अब आया ना रास्ते पे। लुका भाई, खबर मिली है कि गीता शंकर के साथ देखी गई है। अच्छा, गीता। Thank you.
कहाँ जा रही जरा तेरी तो ये छोड़ दो मुझे बचाओ बचा छोड़ दो शंकर बचाओ मुझे बचाओ कमिश्नर अखबार देख रहे हो कल रात बंगले में लड़की का गला दबा के कातिल फरार हो गया इससे पहले भी उसने कई खून किए आखिर ये कातिल अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ क्यों इंस्पेक्टर काले ये एरिया तुम्हारे अंडर आता है ना सर एरिया मेरे अंडर में जरूर आता है लेकिन मैं तो कमिश्नर के अंडर में हूँ ना सर बिना किसी ठोस सबूत के ताड़ा लगाना ताड़ा कोर्ट का वायलेशन है ये अकलमंदी की बात नहीं है जब तक तुम्हारी अकल के घोड़े दौड़े तब तक ना जाने वो कितने खून कर चुका होगा ताड़ा एप्लीकेशन पर दस्तखत करो शुरू साइड का ऑर्डर करो इमीडिएटली सर मेरा जमीर तो नहीं मानता लेकिन आप कहते हैं तो साइन कर देता हूं क्योंकि ऑर्डर्स को फॉलो करना मेरा धर्म है काले आखिर तो अपनी चाल में कामयाब हो ही क्या इस बात पर एक शेर सुनो जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना जहां नींबू नहीं जाता वहां नारियल घुसड़ देते हैं शंकर मंत्री ने तुम पे ताड़ा लगा के बहुत बुरा किया अब तुम मंत्री को ऐसा मोहरा बनाओ कि वो तुम्हारे इशारे पे नाचने लगे डम 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 मंत्री ये खंजर मैं तेरे सीने में भी गाड़ सकता था मगर तू मर जाता फिर तुझे ये पता कैसे चलता कि तेरी वो फाइल मेरे कब्जे में है जिसमें तेरे काले कारनामों का सबूत है सबूत मेरी फाइल्स हेलो मंत्री साहब जिस फाइल की आपको तलाश है वो इस वक्त मेरे कब्जे में है क्या वो तमाम फाइल्स जिनमें मेरे कपड़े और बेनामी जायदाद के हिसाब किताब हैं वो तुम्हारे पास है देखो वो मुझे वापस कर दो तुम्हें जो कीमत चाहिए वो ले लेना आज के बाद ना तुम लुक्का से मिलोगे ना उस इंस्पेक्टर से अगर तुमने उनकी मदद करने की कोशिश की तो ये फाइल मैं सीबीआई के हवाले कर दूंगा तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा हाँ समझदार हो गुड बाय ओके